नमस्कार दोस्तों, चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं, क्या आपको डीडी फ्यूचर्स पर सोनी पल देखने को मिलेगा क्या नहीं। जी हां दोस्तों, क्या आपको 73E ऑप्शन पर पुराने देखे जाने चाहिए, जैसे स्टार उत्सव हो गया, सोनी पल हो गया, कलर्स स्टे हो गया या जी अनमोल हो गया, क्या ये टीवी चैनल आपको फिर से एक बार फिर से डीडी पर देखने को मिलेंगे क्या नहीं और कैसे मिलेंगे, सारी जानकारी आपको आज की वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो दोस्तों वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा तभी आपके समझ में आएगा। दोस्तों वीडियो से पहले आप चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को आज तक क्लिक करने के साथ साथ दोस्तों में भी शेयर कर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल टैक्स पर। चलिए आज कुछ नया जान लेते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि 73E ऑप्शन MPG2 बॉक्स के लिए की जानी है और 74E ऑप्शन MPG4 बॉक्स के लिए की जाएगी, जिसमें भी जो भी चैनल इच्छुक होगा और इस ऑप्शन में जो भी चैनल पार्टिसिपेट करेगा और अपना सफलतापूर्वक स्लॉट जीत जाता है तो वह टीवी चैनल आपको 1 नवंबर 2023 से MPG2 बॉक्स और MPG4 बॉक्स पर लाइव हो जाएगा। दोस्तों दोनों ई ऑप्शन एक साथ होंगी जो कि 26 अक्टूबर की जाएंगी। अब जान लेते हैं किस इस ऑप्शन पर आपको सोनी पल देखने को मिलेगा, क्या इनमें से कोई भी टीवी चैनल देखने को मिलेगा क्या नहीं। दोस्तों यूट्यूब पर काफ़ी सारी वीडियो आ रही हैं, लगातार वीडियो बन रही हैं कि इस ऑप्शन पर सोनी पल देखने को मिल रहा है, कलर सिस्टे मिलने वाला है या जी अनमोल मिलने वाला है या स्टार उत्सव मिलने वाला है या स्टार भारत देखने को मिलने वाला है। दोस्तों ये सभी जो झूठी खबरें हैं, ये सरासर फेक हैं, ये सभी जो वीडियो बनी हुई हैं ये सरासर झूठियाँ। अभी तक किसी भी जगह या किसी भी वेबसाइट पर या कोई भी प्रसार भारती की तरफ से या किसी भी ब्रॉडकास्टर की तरफ से अभी कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया गया है कि हम इस ऑप्शन के माध्यम से डीडी फ्यूचर्स पर लॉन्च होने वाले हैं। अभी तक कहीं भी ऐसा अपडेट नहीं है, लेकिन YouTube पर काफ़ी सारी अपडेट आ रही है और उन वीडियो की देखकर लोग काफ़ी सारी ऑडियंस हमारी वीडियो पे नीचे कमेंट करती है कि सर सोनी पल कब आएगा, जी अनमोल आ रहा है कब से आएगा, कलर्स स्टे आ रहा है कब से आएगा। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि अभी तक इन सभी चैनलों को लेकर कहीं भी कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं है या कोई भी अनाउंसमेंट नहीं की गई है, किसी भी ब्रॉडकास्टर की तरफ से कोई भी अपडेट नहीं आई है। जब हमने काफ़ी सारे रिसर्च कर चुके हैं और काफ़ी सारी खोज करने के बाद हम आपको यह वीडियो बनाकर दिखा रहे हैं कि अभी तक कोई भी ब्रॉडकास्टर की तरफ से कोई भी अनाउंसमेंट नहीं की गई है कि हम डीडी फ्यूचर्स पर लॉन्च होने वाले हैं। दोस्तों जैसे कोई किसी नए चैनल का नाम सामने आता है वो 73E ऑप्शन 74E ऑप्शन बहुत जल्द होने वाली जो कि 26 अक्टूबर की जाएगी और इसमें जो भी चैनल पार्टिसिपेट करेगा सफलतापूर्वक स्लॉट जीता था तो वह टीवी चैनल आपको 1 नवंबर से देखने को मिल जाएगा। दोस्तों किसी भी वीडियो को देखकर अपने मन में वहम नहीं पालिए, मैं हम अपने चैनल पर रियल कंटेंट साथ सच्ची और सटीक जानकारी देते हैं, किसी भी प्रकार की कोई भी झूठी खबर नहीं फैलाते। तो इसलिए यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को यदि आप सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली नई नई इन्फॉर्मेशन आपको समय समय पर रियल और सटीक मिल सके। दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में जानकारी साथ, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।